तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई प्रेस ब्रेकिंग अपडेट के साथ। CRPF कांस्टेबल भर्ती बहुत ही बड़ी तो भर्ती आ चुकी है। CRPF कांस्टेबल भर्ती 21,567 पदों पर होगी भर्ती। महिला उम्मीदवारों को भी दिया गया मौका। इस दिन से ऑनलाइन आवेदन नोटिस हुआ जारी। CRPF कांस्टेबल के अंदर क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज होगी, इन सब की जानकारी इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। और इसके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो गए, इन सब की जानकारी इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो वीडियो को आगे तक पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको जितने भी नई नई भर्ती उनके एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, उस भर्ती के बारे में जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उन सब की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं CRPF कांस्टेबल भर्ती के अंदर। CRPF कांस्टेबल भर्ती के अंदर 21,567 पदों पर भर्ती होगी। इसके अंदर तो महिलाओं को भी तो मौका मिलेगा। तो आप सभी को पता है कि तो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर तो बहुत ही वो तेज़ी से वीडियो बन रहे हैं कि CRPF में 21,567 पदों पर भर्ती होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक CRPF ने ऐसी कोई भी ऑफिशियल घोषणा वो नहीं की कि 21,568 पदों पर भर्ती होगी। जो भी CRPF में अगली तो वैकेंसी होगी वो SSC व GD के अंदर वो सम्मिलित होगी। यानी कि अब SSC व GD की जो 50,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी, उसी के अंदर वो CRPF, BSF, ITBP और जितने भी तो पैरामेडिकल यानी कि जितने भी वो डिफेंस के अंदर तो भर्ती होगी उनके अलग अलग तो पदों पर। यहाँ की CRPF में तो बड़ी संख्या के अंदर आप मांग के चलिए कि 15,000 से 20,000 तो भर्ती SSC वो GD के अंदर होगी। इसके अलावा CRPF भी इतनी बड़ी तो वो कोई भी तो वैकेंसी वो नहीं आएगी। यह जो भी तो वीडियो बन रहे बिल्कुल तो फेक बन रहे हैं, और आपकी जो भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दीजिए। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।